स्वतंत्रता सेनानी आरडी सोमानी की जयंती और मजदूर दिवस के मौके पर सोमानी कॉलेज में वर्चुअल तरीके से वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वर्चुअल तरीके से कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। लोकसभा स्पीकर ने स्टूडेंट्स के लिए अपना संदेश दिया, साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी को एकजुट होने का संदेश भी दिया। इस मौके पर भारत सरकार के कृषि मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला एवं राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम ने भी संदेश दिया। इस कार्यक्रम में सोमानी कॉलेज के साथ साथ विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के छात्र और शिक्षक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रीय नवचेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक विजय सोमानी ने स्वतंत्रता सेनानी आरडी सोमानी सहित अनेकों महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हम सब की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम सभी राष्ट्रहित में अपना योगदान दें और जितना हो सके कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी भागीदारी निभाएं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। हरियाणवी सॉन्ग के साथ साथ बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस करके बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। माननीय श्री विजय सोमानी जी, उपस्थित महानुभावों, साथियों, विद्यार्थियों, प्रोफेसर, अध्यापकगण, आपके संस्थान SITM के वार्षिक महोत्सव के कार्यक्रम में आपके साथ जुड़कर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज आपके संस्थान के वार्षिक उत्सव के साथ साथ मजदूर दिवस भी है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इंजीनियरिंग और मजदूर का बड़ा संबंध है। हम दोनों मिलकर इस देश के श्रमिकों को अधिक काम मिले, उनके हाथ को अच्छा हुनर मिले, तकनीकी ज्ञान मिले, इसके लिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होने के नाते हमारा दायित्व बनता है। मुझे बताया गया है कि आज ही प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री आरडी सोमानी जी का की जन्म जयंती भी है। मैं उन्हें भी अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। आज हमारे देश में तथा पूरे विश्व में कोरोना महामारी का संकट व्याप्त है। हमारा देश अभी इस महामारी के दूसरे वेव से गुजर रहा है। ये वेव पहले वेव से भी अधिक संक्रामक है, जिसके परिणाम स्वरूप देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दबाव में भी है। परंतु कठिन परिस्थितियों में भी हमारे कोरोना योद्धा, हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य सभी इस कोरोना संक्रमण के योद्धा पूरी ऊर्जा से इस महामारी से लड़ रहे हैं। हम सबको उनका हर प्रकार से सहयोग करने का दायित्व बनता है। हम कोशिश करेंगे कि सामूहिक रूप से हम इस कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाब हो। इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूँ संकट की इस घड़ी में आप सभी एकजुट होकर राहत और बचाव कार्य में सहभागिता करेंगे। गाइडेंस ना होते जो हालात बन गए, बड़े दुखदायक। आज मैं बड़े भारी मन से देश के उन हजारों लोगों जो इस महामारी में देर वक्त चले गए, गुरुदेव बहादुर जी को जिनका आज जन्मदिन होता है, प्रकाश पर्व करके हम मनाते हैं, जिनकी वजह से आज देश हिंदू धर्म बचा हुआ है। मैं देखता हूँ उस इतिहास को, जब गुरुओं ने अपने बच्चों को धर्म को बचाने के लिए जिंदा दीवारों पर चिंगारी दी,
आज मैं जब देखता हूँ कि कदम कदम पर इंसान चालाकी से भूख से फरेब से भरा हुआ है, सबको पता है कि नथिंग इज एवर नथिंग, सबको पता है कि जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, लेकिन फिर भी हम लोग समाज देश के उत्थान के लिए, जिस परिवार में जन्म लिया है उसके लिए, जिस संस्था के साथ हम मिलकर कार्यरत हैं उसके लिए, उस समाज के लिए जिसने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, बढ़ना सिखाया, उसके लिए